क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा, इफ साइन वाई, क्वेश्चन नंबर 17 इज इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स ऑफ साइन ए प्लस वाई प्रूव दैट दिस। मैंने जो अभी बताया जो राइट हैंड साइड में इन टर्म्स ऑफ एक्स है, लेकिन पहले जो क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 9 मैंने दिखाया, वो राइट हैंड साइड में वाई था, इसीलिए पहले उसी तरह से करना होगा। देख लिया, देख लो मैं कैसे कर रहा, इसका सॉल्यूशन होगा, देखो हमें क्या कराची सॉल्वटा क्या कर दीची, भलोक देखे नाओ, खाता तो अवश्य तुले ना, ये अंक खूब इम्पोर्टेंट, এগুলো পরীক্ষায় এক্সামে আসে, অর্থাৎ তোমরা যদি এক্সামে পড়তে চাও নামাতে চাও তাহলে এগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো বাড়িতে, ভেরি কেয়ারফুলি প্র্যাকটিস ইন ইয়োর হোম, ওকে, ভেরি কেয়ারফুলি ভালো করে প্র্যাকটিস করো বাড়িতে, আচ্ছি তারা সে প্র্যাকটিস করলো, আচ্ছি বহুত আচ্ছি তারা সে প্র্যাকটিস করো, এক্সাম মে কমন আয়েগা ও এই কোশ্চেন ভি আয়েগা, বহুত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হ্যাঁ এক্সাম মে, ইসিলিয়ে হাউস মে আচ্ছি তারা সে প্র্যাকটিস করলো, সবকে বতা রা হুঁ মে, ঠিক হ্যাঁ, আগার কিসি কা দিক্কত হোগা তো কমেন্ট করকে বতাও হমকো। তো ক্যা হ্যায় সাইন অফ ওয়াই ইজ एक्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस वाई, यानी यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई अपॉन ए वाला ऊपर होगा, ये एक्स का यहाँ कर देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है। आप क्या होगा इसमें, इस तो फंक्शन एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स है, ये जो है फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई, सो इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, बिकॉज यार वाई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो डी एक्स बाई डी वाई विल बी साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई, एंड दिस विल बी साइन ए प्लस वाई, और साइन वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई रहेगा, यहाँ साइन इसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, यहाँ होगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का डेरिवेटिव है वन, चेन रूल, तो ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये क्या हो गया ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी वाई हो गया, आप देखो डी एक्स बाई डी वाई क्या है, वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स वैल्यूटा तुम्हें पे जाए कत हो साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई बाई साइन ए हो गेलो। एरपर देखो एखे जो राइट हैंड साइडे आछे कि एक्स, राइट हैंड साइडे आछे एक्सर टर्म, কোনো ওয়াই নেই, সুতরাং আমরা এখানে ওয়াইটাকে এলিমিনেট করবো, কী হবে এখান থেকে আমরা এটাকে ভাঙবো, সাইন এ কস ওয়াই প্লাস কস এ সাইন ওয়াই, বার করে নিয়ে সাইন ওয়াইটা কমন নিয়ে নেবো, সেপারেট করে নেবো, ঠিক আছে। পহলে দেখো এ তো বলা, এ তো পুট করলো সাইন অফ এ প্লাস ওয়াইকে ভ্যালু কী হোক, সাইন ওয়াই বাই এক্স ইহা ব্যাঠা দো, ক্যা হয়ে যায়গা সাইন এ প্লাস ওয়াই কিতনা হ্যাঁ সাইন ওয়াই বাই এক্স, তো ইয়ে হয়ে যায়গা সাইন ওয়াই বাই এক্স কা হোল স্কোয়ার, সাইন অফ এ প্লাস ওয়াই কা ভ্যালু क्या है साइन वाई बाई एक्स, साइन वाई बाई एक्स यहाँ पुट कर दिया तो ये हो जाएगा साइन ए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर साइन, ये हो गया आपका डी आई बाई डी एक्स, क्लियर। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन ये वन नंबर वन मार्क कर लो, साइन वाई इज एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है, यहाँ से साइन वाई के वैल्यू निकाल लो, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप हाउस में ट्राई करो, प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह से, साइन ए कॉस वाई प्लस कॉस ए साइन वाई, एक्स तो बाहर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप साइन वाई टेक कॉमन, क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा एक्स साइन ए कॉस वाई, ओके। नाउ इसमें है साइन वाई, हमको नेसेसरी है सिर्फ साइन वाई, क्योंकि वाई नहीं रहेगा एक्स रहेगा राइट हैंड साइड में, ठीक है, इसमें एक्स रहेगा साइन वाई नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद कॉस स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दो, साइन स्क्वायर वाई वन माइनस एक्स कॉस ए होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर वाई, एंड दिस विल बी
साइन स्क्वायर वाई वन माइनस एक्स कोस ए होल स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए वन माइनस साइन स्क्वायर वाई एंड दिस विल बी साइन स्क्वायर वाई वन माइनस एक्स कोस ए होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर वाई टेक साइन स्क्वायर वाई एज कॉमन दिस लेफ्ट साइड के लेके आओ ये लेफ्ट साइड नहीं आसो ताले की होबे साइन स्क्वायर वाई कमन नाओ कमन ले पड़े थाकबे वन माइनस एक्स कॉस ए होल स्क्वायर ठीक है होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वाई कमन नहीं ताले इटा की होबे साइन स्क्वायर ए और एक्स स्क्वायर ये रहेगा और इधर रहेगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर पूरा क्लियर स्टूडेंट्स आप क्या होगा आप होगा साइन स्क्वायर वाई इसको भांग दो ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर लो टू एक्स कॉस ए प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओके यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर के वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई वन माइनस टू एक्स कॉस ए प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉमन रहेगा तो कितना हो जाएगा वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए पूरा क्लियर एंड फ्रॉम दिस यू हैव द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर वाई इज दिस बाय दिस दैट इज एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस टू एक्स कॉस ए प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस टू एक्स कॉस ए प्लस एक्स स्क्वायर नाउ पुटिंग दिस वैल्यू हियर इन प्लेस ऑफ वन ओके सो फ्रॉम वन डी वाई बाई डी एक्स इज साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर साइन ए साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर साइन ए यहाँ पुट दिस वैल्यू साइन स्क्वायर वाई देन दिस विल बी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए वन माइनस टू एक्स कॉस ए प्लस एक्स स्क्वायर एंड नीचे में है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओके तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक साइन कैंसिल हो जाएगा ऊपर में रहेगा साइन ए अपन वन माइनस टू एक्स कॉस ए प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स विच इज प्रूफ क्वेश्चन में यही था साइन ए अपन वन माइनस टू एक्स कॉस ए प्लस एक्स स्क्वायर विच इज प्रूफ क्लियर है स्टूडेंट ये है वो साइन ए अपन वन माइनस टू एक्स कॉस ए प्लस एक्स स्क्वायर विच इज प्रूफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट वन हो गया ओके बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो मैं बार बार बता रहा हूँ अभी अनेक बार तुम्हारे किंतु बोल एक बार दो बार बोली नहीं अनेक बार बोल सूतरा तुम्हारा भलो करे बाड़ी प्रैक्टिस करो कारण यो एग्जाम आसें ठीक है वोजन ही बोल अच्छा 17 पार्ट टू डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंटेड डेरिवेटिव डिटर्मिनेंटेड डेरिवेटिव क्या होता है हम दिखा रहे हो आपको देख लो थोड़ा 17 पार्ट टू जो है क्वेश्चन नंबर 17 है 17 पार्ट टू जो है ये है इफ वाई इक्वल टू डिटर्मिनेंट दिस डिटर्मिनेंट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स सेकेंड रो एल एम एन थर्ड रो ए बी सी प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज दिस एफ डेस एक्स जी डेस एक्स एच डेस एन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एंड एल एम एन जैसा है ऐसा ही रहेगा ए बी सी जमन आसे तेमन ही थकबे ठीक है मैंने सेकेंड रो और थर्ड रो जमन आसे तेमन ही थकबे नो चेंज सेकेंड रो एंड थर्ड रो बट फर्स्ट रो जो है इसका डेरिवेटिव हो गया तो ये कैसे आया इसका प्रूफ करना पड़ेगा क्वेश्चन में है प्रूफ करने के लिए तो डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव जो फॉर्मूला है ये है मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मूला जो है देख लो थोड़ा रूल्स है डिटर्मिनेंट का जो डेरिवेटिव है मान लो एफ एक्स
जी एक्स और फाइव एक्स, ठीक है, एफ वन एक्स, जी वन एक्स, फाइव वन एक्स, ये मान लो एफ टू एक्स, जी टू एक्स, फाइव टू एक्स, ये मान लो एफ थ्री एक्स, जी थ्री एक्स, फाइव थ्री एक्स, ये है, मान लो ये है एक डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा, डिटर्मिनेंट का जो डेरिवेटिव होगा, ये डिटर्मिनेंट फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा फर्स्ट रो का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद ये दो रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो अनचेंज, उसके बाद प्लस सेकेंड रो का होगा, ऐसा ही होगा एफ वन डैश, जी वन डैश, फाइव वन डैश, इसका डेरिवेटिव होगा, और एफ टू, जी टू, फाइव टू अनचेंज रहेगा, एफ थ्री, जी थ्री, फाइव थ्री अनचेंज रहेगा, प्लस फर्स्ट रो का डेरिवेटिव हो गया, अब सेकेंड रो का डेरिवेटिव होगा, सेकेंड रो का डेरिवेटिव होगा, और फर्स्ट रो जैसा है ऐसा ही रहेगा, और सेकेंड रो जैसा है ऐसा ही रहेगा, ठीक है, प्लस फर्स्ट रो का डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड रो का अब डेरिवेटिव हो गया, थर्ड रो का बाकी अभी तक नहीं हुआ, अभी थर्ड रो का डेरिवेटिव होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट रो जैसा है ऐसा रहेगा। अच्छा, ए एफ वन मीन्स एफ वन ऑफ एक्स, एफ वन एक्स को शॉर्ट में आप लिख सकते हो एफ वन, और जी वन एक्स को शॉर्ट में आप लिख सकते हो जी टू, जी वन एक्स से जी वन, ओके, और फाइव वन एक्स को आप शॉर्ट में लिख सकते हो फाइव वन, उसी हिसाब से एफ टू का एक्स का शॉर्ट में एफ टू, जी टू, फाइव टू, इसमें शॉर्ट में लिखता है, ठीक है, ए ऑल आर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये फर्स्ट रो का डेरिवेटिव हुआ, सेकेंड और थर्ड रो कॉन्स्टेंट रहेगा, फर्स्ट रो डेरिवेटिव हो गया, इसीलिए अब फर्स्ट रो नहीं होगा, सेकेंड रो का डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट रो और थर्ड रो अनचेंज होगा, और फर्स्ट रो का डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड रो का भी डेरिवेटिव हो गया, अब थर्ड रो का डेरिवेटिव हो गया, वही का जैसा भी रो हो उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है, ये हो गया रो वाइज, और आप ये कॉलम वाइज भी कर सकते हो। सो डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज, ये मैंने रो वाइज करके दिखाया, आप कॉलम वाइज करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव होगा, ये दो कॉलम अनचेंज रहेगा, सेकेंड कॉलम का डेरिवेटिव होगा, ये दो कॉलम अनचेंज रहेगा, थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव होगा, ये फर्स्ट और सेकेंड कॉलम अनचेंज रहेगा, मतलब हर कॉलम का एक बार होगा जैसा रो में दिखाया। तो ये थ्योरी फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ हो जाएगा, ओके। तो क्या होगा स्टूडेंट देख लो, चले ये हो गया वाई, सो इसका डेरिवेटिव होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, ओके, और एल का डेरिवेटिव कितना होगा जीरो, एम का डेरिवेटिव, एल का डेरिवेटिव यहाँ नहीं होगा, ये जमन अच्छे तेमन थक, जमन अच्छे तेमन थक भी, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव होगा, सेकेंड रो और थर्ड रो अनचेंज रहेगा, हो गया, आप क्या होगा फर्स्ट रो का डेरिवेटिव हो गया, तो यहीं फर्स्ट रो का डेरिवेटिव नहीं होगा, पूरा क्लियर है स्टूडेंट्स, बच्चों समझ में आ रहा है, आप एल एम एन सेकेंड रो का डेरिवेटिव होगा, एल कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो, इसका कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो, ए भी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो, ए बी सी जैसा ऐसा रहेगा, ठीक है, आप क्या होगा फर्स्ट रो का डेरिवेटिव हो गया, इसमें सेकेंड रो का डेरिवेटिव हो गया, अब है थर्ड रो, बाकी है थर्ड रो का डेरिवेटिव होगा, क्या होगा थर्ड रो का डेरिवेटिव जीरो जीरो जीरो, बिकॉज ए बी सी आर कांस्टेंट, और ये एल एम एन, और ये है एफ एक्स, जी एक्स, और ये है एच एक्स, पूरा क्लियर है स्टूडेंट। आप देखो इन एनी डिटर्मिनेंट, इफ एनी रो और कॉलम ऑल आर जीरो, देन दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज जीरो, सो दिस विल बी एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एंड दिस इज एल एम एन, ओके, एंड ए बी सी, एंड दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज जीरो, एंड दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज ऑल्सो जीरो, सो हो गया डी आई बाई डी एक्स, सो इसका प्रूफ हो गया, सो ये वाला प्रूफ हो गया, ओके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17 था, तो क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने करके दिखाया, 17 पार्ट 1 एंड 2, ओके।
17 और 18 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप हाउस में करो। अगर नहीं होगा तो हमको वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, ओके। और क्वेश्चन नंबर 19 भी इम्पोर्टेंट है, करना पड़ेगा, ये हाउस में करो। अगर नहीं होगा तो हमको बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18-19 करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी कर लो, इम्पोर्टेंट ही है। ज़्यादा एग्जाम में नहीं देता है, लेकिन हार्ड टाइम कोई दे देता है, इसीलिए माझे माझे दिए दे। जो 21 कोई नेबे तुम्हारा, 21 देना ना करले हबे, तबे तुम्हारा 21 कोई नेबे, कारण दे। আর 22টাও কয়েন হবে ইম্পর্টেন্ট, 22 তোমরা পেয়ে যাবে, না পারলে আমাকে বলবে, কমেন্টে লিখবে, আমি করে দেবো, ঠিক আছে। 18, 19, 21, 22 হোমওয়ার্ক রইল, 20টা করার দরকার নেই। তাহলে 18, 19, 21, 22 সো কোশ্চেন নাম্বার 18, কোশ্চেন নাম্বার 19, কোশ্চেন নাম্বার 20 ছোড় দাও, কোশ্চেন নাম্বার 21 অ্যান্ড কোশ্চেন নাম্বার 22, ইয়ে হো গিয়া আপকা होमवर्क, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हाउस में करो, अगर नहीं होगा तो कमेंट करके बताओ, मैं बार बार बता रहा हूँ। तुम्हारा बाड़ी एगुलो भालो करे अंकगुलो करो, आशा करी पारबे, जा देखालाम बोझालाम तार साथे तुम्हारा बाड़ी चेष्टा करो, अवश्य पारबे। जदि ना होय कमेंट करके बोलो, पोरेर भिडियोते सल्व करे तुम्हारे आपलोड कर देवा होबे। इसीलिए स्टूडेंट्स जारा सबसक्राइब एखोनो पर्यन्त करोनी, तारा अवश्य सबसक्राइब करो, সাবস্ক্রাইব করে বেলটা দাও, তাহলে তোমাদের যখনই আপলোড হবে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ ঢুকে যাবে, অর্থাৎ নোটিফিকেশান ঢুকে যাবে, ঠিক আছে। সুতরাং বাড়িতে ভালো করে প্র্যাকটিস করো সবাই, তোমাদের ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে গেলে আমি তোমাদের ইন্টিগ্রেশন শুরু করব, তারপর তোমাদের কোঅর্ডিনেট, ভেক্টর অ্যালজেব্রা, ইনভার্স সার্কুলার ফাংশন, বিপরীত বৃত্তীয় অপেক্ষক সবই শুরু করা হবে। সব যে চ্যাপ্টার হয় হার চ্যাপ্টার কা স্টার্ট হোগা, ভিডিও সলিউশন। সো কিপ ওয়াচিং দিস চ্যানেল অ্যান্ড প্লিজ শেয়ার উইথ ইউর অল ফ্রেন্ডস, তোমার সব বন্ধুদের শেয়ার করো, যাতে করে সবাই এটা পায়, সবাই এই সাজেশন ভিডিও সলিউশন সবাই পায়। সুতরাং সব বন্ধুদের শেয়ার করো, ওকে, হ্যাভ এ গুড ডে।